हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी की न्यूज़ ये है कि पुतिन ने कहा है थैंक यू सो मच मोदी फॉर कंसर्न अबाउट रशिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि फॉर कंसर्न अबाउट रशिया, रशिया के में क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से कंसर्न शो करना पड़ा मोदी जी को, वो मुझे नहीं समझ में आया। और दूसरा, अभी ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है ना, और मोदी जी जाएंगे रशिया अभी, तो कौन से कब होनी है वो बताना, कौन सी डेट को है, इस महीने है, अगले महीने है, कब की है। तो चलो अब देखते हैं कि क्या हुआ, क्या है, कि ऐसी क्या बात हुई है कि रशिया को बोल रहे हैं, रशिया को मोदी जी ने कंसर्न शो किया। चलो देखें। While talking with His Excellency over the phone and expresses his considerations, and we are grateful. President Putin ki taraf se India ke mutalliq iski to puri shakal hi change hui hai, statement samne aayi hai. Arab ka qareeb tareen ittehadi ho, Bharat ke Wazir Azam Narendra Modi ja rahe hain Russia for the BRICS. President Putin ne jo to pura hairstyle sabhi change hai aur India ki honesty ki ये अभी की है। एफबीआर ने कहा जो टैक्स इकट्ठा किया वो कर्ज में चला गया। लेकिन हमारा जो एक्चुअल मेन इंटरेस्ट है जिसमें हमारी इकोनॉमी भी बैंक करती है, डिफेंस भी बैंक करती है और हमारे रिलेशंस भी बैंक करते हैं, वो है हिंदुस्तान के साथ। हमने हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करना है। लोग बिलों की अदायगी के लिए कीमती चीजें बेच रहे हैं। स्टाइल देखो, सारे यहाँ से वाइट और पीछे ब्लैक नर्क कीमतें अभी हमारे और वो मैच हो रहे कपड़ों के साथ, तीन गुना ज्यादा है यार, क्या है? और हम उनके बगैर नहीं चल सकते। इसकी वजह ये है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। ये पाकिस्तानी होने की कीमत चुकाई जा रही है या वसूली जा रही है? ये जमहूरिये हैं या जग्गे हैं? तीन गुना ज्यादा जग्गे। You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. पाकिस्तान को हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन विवाद पर सवाल हुआ था। इस पर जवाब देते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा, जब भी बातचीत होती है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का आभार भी व्यक्त करते हैं। आपको यहाँ बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान कहा कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करना आसान नहीं है, इसकी कोई समय सीमा तय करना मुश्किल और प्रतिकूल होगा। हालांकि उन्होंने रूस की जीत का दावा जरूर किया। दरअसल भारत के रूस से दशकों पुराने संबंध हैं और यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते हैं। इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं, ऐसे में उनकी किसी शांति समझौते में भूमिका निभाने की उम्मीद भी की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी मूवी की क्लिपिंग आ रही है, लाइटिंग कम है और वहां पे बड़ा चर्चा रहा उनका रिपब्लिक डे पे। तो उसी के साथ आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि और इनमें से एक भी चीज पाकिस्तान के पास नहीं है, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगु की है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें किससे की, न्यू जनरेशन को बता रहे हो कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीखे। वो कौन से सबक सीखे हैं? अच्छा, लेसन सीखे हैं, उसको सबक सीखना है, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है, ये मैं इसके ऊपर इसलिए प्रोग्राम सीखना है बोला ना, सबक सीखना है क्या मतलब, अगर आपको सीखना है तो इससे सीखो, ऐसे बोलते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू, सबक सिखाना तो इंडिया सिखाएगा तुमको सबक, दिल्ली वो है उनको तो कुछ भी नहीं आता, गेम्स नहीं खेलता और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है।
इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। तो तुम्हारी क्या कैदी फॉरेन पॉलिसी है, और करेंगे उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे। मुझे इनके वीडियो सजेस्ट मत किया करो, मुझे बता रहे हैं नॉट रियली दैट एजुकेटेड सो कुछ नहीं जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और आज खबर आई थी सुबह जो जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं क्या जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ जिसे कहते हैं ही फॉरगेट्स थिंग्स। सो अभी लग ही रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है कहां ब्रिक्स में 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं ना करने के आना है मोदी जी। ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके वाले से आपको पता काफी ब्रिक्स की मीटिंग है मल्टीलैटर नहीं होगी तो क्या होगा मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को नहीं एससीओ का मेंबर बनाया जाए, मतलब पूछ लिया करो हर चीज में नहीं है। ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस है, क्या मतलब एक्सपेंस सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा दुनिया की पॉपुलेशन किस बेसिस पे बोल रहा है तो, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था भाई तू ना कर ब्रिक्स हो या एससीओ दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीजें हो सकती। मिसाल के तौर पे ऐसा कुछ नहीं सुनने में ही आया है, नथिंग केम आउट ऑफ इट, कि जो रशियन एंबेसडर है इंडिया के अंदर वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के चाली हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया जाली चार्ली लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, यूपीआई एक नया पेमेंट मेथड लेने आना चाहते हैं। ये तो सुन के मर जाएगा कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज़ रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्टर्न वेस्ट का कंट्रोल है। इंडिया व्हाई शुड इंडिया प्रमोट ब्रिक्स का मेथड, कैसे क्या किया जाए इंडिया वाले का सब यूपीआई अडॉप्ट करो। तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एंबिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे, हो सकता है ये हो। लेकिन चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना। मैं बताती हूँ क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि तुम ब्रिक्स में नहीं आओगे, अपने ख्वाबों में बैठे रहो। एंड आई एम होपिंग कि मोदी जी जो है मेक श्योर करें कि ये ब्रिक्स में इनकी कभी भी एंट्री ना हो। और दूसरा ये जो बोल रहा है ना, ये तो पाकिस्तान वाले जो हैं ये तो चाहेंगे कि चाइनीज का कोई सिस्टम आ जाए पैसों वैसों से रिलेटेड, और चाइनीज हाँ वो ब्रिक्स में कोशिश होगी, ब्रिक्स में रशिया और चाइना आर गोइंग टू मेक देयर ओन सिस्टम, और रशिया को भी चाहिए ये सिस्टम, तो इन दोनों का कोशिश तो यही होगी। पर इंडिया के लिए ये अभी फायदेमंद नहीं है। हाँ यूपीआई ले आओ तो बहुत अच्छी बात है फिर, ओके। देखिए ब्रिक्स में वही है, रशिया और चाइना है, और चाइना मेन है ब्रिक्स में भी। चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका प्रॉफिट हो और रशिया का प्रॉफिट हो, दे डोंट केयर अबाउट इंडिया टू बी फ्रैंक। तो पता चल जाएगा, हाँ टाइम से पता चल जाएगा। पर ये अच्छा है कि मोदी जी कह रहे हैं, अभी कल ही बात हुई है मोदी जी से, और मोदी जी बार बार यही दिखाते हैं लड़ाई से जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जाओगे तो इनकी जो भी बात फोर्स डालिए, हाँ वही रिजेक्ट करिए सब चीजें, जहाँ पे लग रहा है चाइना हीरो बन रहे हैं रिजेक्ट करिए, बोले नहीं
जहां पे भी लगे चाइना हीरो बनने वाला है वहां पे पूरा उसमें अड़ंगा डालो एंड मेक श्योर करो कि वो आगे नहीं हो. एग्जैक्टली, इसलिए जाना इम्पोर्टेंट भी होगा. एग्जैक्टली, और पाकिस्तान का भी रोकना है तो उसके लिए जाना ही है. ये बोलना चाहिए. तो चलो यार, अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.